नमस्कार। राम से बड़ा राम का नाम कई बार गाते हैं, बोलते हैं, इसकी गहराई में कभी आप गए? अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि ईश्वर बड़ा की भक्त, गुरु बड़ा की भक्त, आप अपनी कृतज्ञता में ईश्वर का नाम लेंगे, गुरु का नाम लेंगे, लेकिन आप ये मानिए गुरु ईश्वर सांसों का संचालक ने आपको ज्ञान की दुनिया में लाकर इस योग बना दिया है कि आप स्वयं का आध्यात्मिक उत्थान तो करें, साथ में किसी और का भी कर सकते हैं। मेरी शिकायत कहीं ना कहीं अपने आप से रहती थी, जब मैं उस मंदिर में, जो मेरे इष्ट हैं, गुरु के आश्रम है, अलग अलग लोग, आपके जैसे लोग भी हम सब जाते हैं, कहीं ना कहीं हम ये पाते हैं कि दीज आर प्लेसेस जस्ट लाइक ए चार्जिंग सेंटर्स। वो भले मंदिर हो या देवालय हो या कोई धाम, वहां जाकर हम अपने अंदर के ईश्वर को चार्ज कर लेकर आते हैं, और उसके बाद न जाने आपके जीवन को किसी और के जीवन के लिए भगवान बना के उस परमपिता परमेश्वर ने जमीन पर भेजा है। माने आप नहीं मानते कि आप में नारायण है, लेकिन हो सकता है आपसे जुड़े हुए वो लोग जिनकी आपने थोड़ी मदद करी होगी, वह आपको नारायण मानते हो, वह आपको भगवान के तुल्य मानते हो, लेकिन वो क्या करते हैं, क्रेडिट किसको देते हैं? अपने इष्ट। एक इष्ट ने माध्यम बना के भेजा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा इष्ट महाकाल है, और अगर कोई व्यक्ति मेरी मदद कर जाता है तो मैं कहूंगा अरे महाकाल बाबा ने करा दी मेरी मदद, जबकि वह महाकाल बाबा ने उस व्यक्ति को एक माध्यम बना के मेरे पास भेजा है। तो याद रखें, मेरा बोलने का अभिप्राय सिर्फ यही है कि अपने जीवन को टटोले। क्या आपके जीवन में कोई व्यक्ति, पांच तत्व के शरीर भी कुछ ऐसा काम कर गए जिसके काम की कृतज्ञता आप भगवान को देते हो, और वह व्यक्ति नहीं होते आपके जीवन में तो जीवन में आप यहां तक नहीं आ पाते। तो कृतज्ञता अपने गुरु को, कृतज्ञता भगवान को, मंदिर को देने के साथ साथ उन व्यक्तियों को भी इग्नोर ना करें जो जीवन में साक्षात नारायण, साक्षात भगवान बनकर आए। हम गाते हैं तुझ में नारायण, मुझ में नारायण, सब में नारायण। तो मेरा पूरा विश्वास है आप भी अपने जीवन को टटो लेंगे, उस बचपन से लेकर अभी तक जब से हो संभाला, जितने भी लोग आए हैं, और जितने लोग अच्छा किया है तो भी प्रणाम, बुरा किया है तो भी प्रणाम, क्योंकि उनने अगर अच्छा भी ऊपर वाले ने आदेश पर किया है तो बुरा भी उसने कहीं ऊपर वाले के आदेश पर किया है। उस वक्त आपके लिए है कि आपका विवेक, आपका एक्शन कैसा रहता है, आपकी रिएक्शन कैसी रहती है, यह देखने के लिए। माने गीता कहती, अष्टवक्र गीता कहती, हर चीज हो रही है, सब कुछ हो रहा है, कोई कुछ नहीं, बस एक साक्षी भाव से अपने जीवन को टटोलेंगे तो वाकई एक अंदर सच्चा गुरु, सच्चा भक्त, एक सच्चा मार्गदर्शक पाएंगे। नमस्कार।